हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंफोलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में रिसर्च का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू हाइपोथेसिस। देखिए, हम जो भी रिसर्च पेपर पढ़ते हैं उसमें हम एक वर्ड देते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। आज हम इसके बारे में पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, दैट इज इट इज बेसिकली अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि हम अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट के हम एक अपने एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि बोलते हैं हाइपोथेसिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द टेंटेटिव रिजल्ट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या स्कूल लेवल पे, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कि 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट के एवरेज स्कोर क्या होगा या एवरेज परसेंटेज क्या होगी, अगर हम निकालें कि भी CBSE के एवरेज परसेंटेज क्या होती है कॉमर्स स्टूडेंट की, मान लीजिए मैं बोलूँ सपोज 87%, तो ये मैंने क्या बोला, अपना हाइपोथेसिस बोला कि हो सकता है इतना हो। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं एक टेंटेटिव रिजल्ट, कि हम बोलते हैं हाँ अपना एक एजम्पशन लगाते हैं, राइट। और फिर हम उसको बाद में टेस्ट करते हैं कि हाँ जो हमने जो अपनी एजम्पशन की है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, दैट इज इट इज अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, अब अपनी तरफ से हमने कोई भी स्टेटमेंट बोल दी कि स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं बोलूँ कि हाँ 87% चांसेस है कि बारिश होगी। ठीक है, बट वो क्या मेरा अंदाज़ा है, मेरा अजम्पशन है। मैंने किस बेसिस बोला, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दी लाइक जो भी मैंने अपने मोबाइल ऐप में जो है वेदर का जो है देखा और मैं बोल रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी असम्पशन दे सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि बता, अच्छा बताओ कि कितने परसेंट चांसेस है कि भी मेट्रो जो है टाइम से आएगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, माय पास्ट एक्सपीरियंस, कि मेट्रो का जो वेटिंग टाइम है कि मेट्रो जो है 2 मिनट्स वेट कराती है, उससे ज़्यादा वेट नहीं कराती, मेट्रो जो टाइमिंग भी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस आप अपनी तरफ से कोई भी आप एक अजम्पशन देते हो, क्या इसका जो रिजल्ट ये आ सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट इज हाइपोथेसिस। अब इसको हमें टेस्ट करना है कि आपने जो भी एक कोई भी स्टेटमेंट जो दे रहे हो क्या वो सही या गलत है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टेस्ट। देखिए, टेस्टिंग जो है बेसिकली आपकी तरह की होती है, फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम, नल हाइपोथेसिस, एंड इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। राइट, अब टेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो ये हम दो हाइपोथेसिस के बेस पे करेंगे, राइट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लाइक सपोज इफ वी देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए जब आप अपना कोई भी पेपर लिखते हो तो उसमें आपको जो इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है, तो वो इंटरप्रिटेशन आपको किस तरह लिखनी है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस सो दैट मींस हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट मींस वी हैव इनफ एंड एविडेंस टू सपोर्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दैट मींस अगर आपको H0 या फिर नल हाइपोथेसिस अगर आपको रिजेक्ट करना है, That means you must have support enough evidence to support alternative hypothesis, right? Then उसके अलावा और क्या हो सकता है? That means failed to reject null hypothesis. देखिए statement बहुत ध्यान से देखनी है, अगर आपको एक अच्छा quality research paper लिखना हो तो आपको statement कैसे लिखनी है, that we don't have enough evidence or we can say we can't support null hypothesis
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सॉरी। देखिए, अगर आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो आपकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि इफ वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, मैं एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। मान लीजिए मैं स्टेटमेंट यहाँ देना चाह रहा हूँ इसके कि नो डिफरेंस इन मीन मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल। मैंने नल हाइपोथेसिस कह दिया दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ये क्या है, मेरा नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा इसका ऑपोजिट कि यस देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है इन मीन मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल, डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं अपने स्टैंडर्ड का, मान लीजिए किसी भी 12th स्टैंडर्ड को, मान लीजिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, जो भी एवरेज है ना उसमें ना मेल और फीमेल मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, मेरा नल हाइपोथेसिस। अब अगर मान लो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कैसे आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि फीमेल का अगर मैंने एवरेज निकाल रहा हूँ कितना है 96, बट अगर मैं मेल का निकालूँ तो वो कितना है दैट इज सपोज 93। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है, देखिए डिफरेंस है, तो अगर मैं डिफरेंस आ रहा है तो क्या हुआ, क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स इफ वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस मीन्स वी हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और आपके पास सपोर्ट क्या है, ये रिजल्ट आपके पास, आपने ये निकाला, मेन स्कोर निकाला दोनों का, फीमेल का भी और मेल का भी। अगर आपको लगता है कि यस देयर इज अ डिफरेंस, सो दैट मींस यू आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों का स्कोर अगर 96-96 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, दैट मींस वी आर वी आर बेसिकली फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये नहीं बोलोगे कि हम जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट वर्ड नहीं यूज करना, या तो रिजेक्ट करो या फेल टू रिजेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से लिखनी है आपको, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्यों, बिकॉज वी कांट सपोर्ट नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बिकॉज वी कांट सपोर्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं और अच्छे से कि इसको हम किस तरह और अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल ध्यान से दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल in the university is 86 in the in which subject that is business statistics। to ye kya ek apni ek hypothesis hai, yani ki ek statement hai, ek claim hai, ab usko hame test karna hai। to dekhiye isko hum test kis kis tarah karna hai hame ye, to dekhiye yahan par jo hum do tarah ke aapke test hote hain isme, that is two tail test and one tail test। देखिए टू टेल टेस्ट में क्या होता है, आपको देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट मींस द मीन मार्क्स इज इक्वल टू 86 कि एवरेज स्कोर जो है हर बच्चे का जो है एवरेज स्कोर वो कितना होगा, दैट इज 86 होगा। देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, इसका उसका ऑपोजिट, दैट मींस या तो नहीं होगा। देखिए या तो एवरेज मीन स्कोर जो है मीन मार्क्स है या तो 86 होगा या तो नहीं होगा, अगर होगा दैट इज द नल हाइपोथेसिस एंड इसका रिवर्स करेगा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये करेगा आपका टू टेल टेस्ट। देखिए कैसे होगा, देखिए ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, बेल शेप कर्व। ठीक है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पर इसको ये जो एरिया होता है ना, ये तो बोलते हैं डू नॉट रिजेक्ट एरिया। कौन सा एरिया होता है, डू नॉट रिजेक्ट एरिया, और ये कौन सा एरिया होता है, ये रिजेक्शन का एरिया होता है। किसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम, नल हाइपोथेसिस को। दैट मींस अगर मान लीजिए मीन स्कोर मार्क्स अगर इक्वल्स टू 86 आया, सो दैट मींस वी आर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्कोर क्या होगा, वो 86 नहीं होगा। भाई 86 नहीं होगा तो कम होगा या ज्यादा होगा, देखिए इसका आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब क्या है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से टू टेल टेस्ट हुआ। देखिए पहले देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होगा, कि एवरेज स्कोर 86 होगा।
अब या तो वो 86 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टू टिल टेस्ट हुआ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वन टिल टेस्ट देखिए, यहाँ पर पहले देखिए ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस क्या बोला, दैट मींस कि एवरेज मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, या तो 86 होगा, 86 से ज्यादा होगा, 86 से होगा, 86 से ज्यादा होगा। अगर मान लो 86 से कम हो तो क्या होगा, वो ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिजेक्शन एरिया यहाँ पर दो तरीके हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, रिजेक्शन एरिया। ठीक है, अच्छा अब हमें जब भी हमें कोई किसी भी स्टेटमेंट को या क्लेम को अगर आपको रिजेक्ट करना है या फेल टू रिजेक्ट है, तो वो आपको अपना एक जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज बताना होगा। सर मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर ये जो क्लेम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इस मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का जो बिजनेस स्टडीज में जो मार्क्स है वो 86 है, अगर कोई क्लेम कर रहा है तो बोल रहा है अच्छा बताओ आप कैसे कितना क्लेम कर रहे हो, सेम इन द सेंस आप कितना कॉन्फिडेंस हो। मैं बोलूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एवरेज जो मीन स्कोर मार्क्स है बच्चों का वो है 86। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं 95% श्योर हूँ भाई, बाकी 5% हो सके तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट हाँ मैं इतना श्योर हूँ, 95% श्योर हूँ कि हाँ ये जो एवरेज स्कोर मार्क यही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 86 मार्क्स नहीं आए, 86 मार्क्स नहीं आए, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 86 अगर मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, दैट मीन्स वी आर बेसिकली रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। अगर 86 मार्क्स नहीं आए दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस, तो हम यहाँ पर इस शेडी एरिया में इसको चेक करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ से देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है आपका 95%, ये कितना एरिया आपका 2.5%, ये कितना होगा आपका 2.5%, ओवरऑल कितना होगा 100%। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए जब आप टेस्ट करते हो, अगर इसका ओवरऑल मान लीजिए पी वैल्यू, देखिए हम जो पी वैल्यू से हम इसको हमेशा डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी, अगर पी वैल्यू अगर मान लीजिए लेस देन 0.05 आए, दैट मीन्स लेस देन 5%, तो वो कौन सा एरिया होगा, ये जो ब्लू एरिया है ना ये इसमें होगा। अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये कौन सा एरिया हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका। मैं इसमें थोड़ा कलर और दूसरा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, यस येलो कलर देता हूँ, ये वाला एरिया मीन्स 5% से अबव हुआ, 5% से अबव हुआ तो हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स वी बेसिकली फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टू टेस्ट में क्या था, अगर नल हाइपोथेसिस अगर इक्वल्स टू 86 है तो दैट मीन्स वी आर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और वो कैसे पता चलेगा, अगर पी वैल्यू मोर देन 5% है, तो मोर देन 5% है सो दैट मीन्स वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर 86 आया, अगर 86 नहीं आया, ठीक है, या तो कम हो या ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स उसकी पी वैल्यू क्या होगी, 5% से कम होगी, 5% से कम होगी, 5% या 5 से कम होगी, तो दैट मीन्स देन इन दैट केस वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, राइट। अब इसका देखिए टू रिल टेस्ट था, अब वन रिल टेस्ट देखिए सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पर के नल हाइपोथेसिस क्या है, दैट मीन्स मीन एवरेज स्कोर जो है स्टूडेंट का वो या तो 86 होगा, 86 से ज्यादा हुआ, तो 86 से ज्यादा हुआ तो वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला होगा सारा, वो सारा ये वाला एरिया होगा। देखिए ध्यान से देखिए जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, ध्यान से देखिए कि जो मिडल पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, देखिए 50% एरिया ये होता है एंड 50% एरिया ये होता है। ठीक है, जो लेफ्ट होता है वो नेगेटिव एरिया होता है और जो ये होता है आपका पॉजिटिव एरिया होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के 86 से कम है, 86 से कम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये वाला एरिया देखा कि इसमें ये वाला एरिया जो होगा ये हुआ आपका रिजेक्शन एरिया लेफ्ट वाला। ज्यादा होता तो फिर हम ये देखिए ज्यादा वाला केस है तो फिर हम ये वाला एरिया देखेंगे रिजेक्शन। ठीक है, तो इसमें ये वाला आपका जो है ये रिजेक्शन एरिया हो गया एंड इसमें ये वाला एरिया आपका रिजेक्शन एरिया हो गया, राइट। तो देखिए अगर हम पहले ये वाला कह सकते हैं,
अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर मीन मार्क्स उससे ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, देखिए पी वैल्यू अगर 0.5% से ज्यादा हुई, सो दैट मीन्स वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, राइट। तो पी अगर ज्यादा हुआ 5% से, सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या क्या कह रहा है कि भी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 86 से कम है, 86 से कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। देन कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, दैट मींस एवरेज मीन स्कोर क्या है स्टूडेंट का, दैट इज 86 इक्वल्स टू 86 और लेस देन 86, और उससे ज्यादा हुआ दैट मींस तो क्या होगा, वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इस केस में अगर पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर मोर देन 0.05 आई, दैट मींस वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगर फेल करेंगे करेंगे अगर हम नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो इसका क्या होगा, एवरेज स्कोर का मार्क्स वो क्या आएगा, वो कौन सा एरिया होगा, वो ये वाला एरिया होगा, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड इफ पी वैल्यू इज लेस देन 5%, तो वी आर सेइंग दैट वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, राइट। तो ये आपको मैंने आपको पूरा बेसिक बताया कि किस तरह होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसको हम थोड़ा और इनडेप्थ समझते हैं कि ये इसके हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि भी पी वैल्यू मैंने तो निकाल दू लेकिन पी वैल्यू आएगी कैसे, थोड़ा देखिए मैथमेटिकल है, तो आई होप आपको आपको सब जो है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से आप बिलोंग होंगे। देखिए ये जो मैंने निकाला दैट मीन्स जो सिग्निफिकेंस लेवल है, दैट मीन्स जो मैंने बोला कॉन्फिडेंस लेवल 5%, ये बताता क्या है बेसिकली, आपको पहले आप इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये बेसिकली क्या बताता है, इट बेसिकली स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, एरिया कह सकते हो या रीजन कह सकते हो, राइट। मोस्ट जो कॉमन होता है आपका वो होता है आपका 5%, मोस्ट कॉमन, बट इसके बाद अगर देखा जाए तो वो कौन सा यूज होता है, दैट इज 1%, इसको हम 0.05 भी लिख सकते हैं या 0.01 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर माने जैसे पी वैल्यू या अल्फा वैल्यू अगर 5% से कम आई ज्यादा ही, तो उसको हम कैसे करेंगे, हाइपोथेसिस को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, वो इस तरह से आपका आता है, राइट। तो इसका एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए एग्जांपल की तरह समझते हैं कि इसको हम न्यूमेरिकली कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अ रैंडम सैंपल ऑफ 27 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 22 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.8. Can we conclude at alpha equals to 0.01 that the population mean is significantly below 24? देखिए ध्यान समझिए क्या मतलब हुआ। देखिए मान लीजिए कोई population है, अब इस population में से sample लिया 27 observations, ठीक है। अब बोल रहे कि random sample of 27 observation from a large population, इसका mean जो score है, इसका जो मीन स्कोर है वो 22 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो कहता है दैट इज 4.8। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज द बेसिकली टेल्स द डेविएशन और कैन से द डिस्पर्जन, वो कहता है 4.8, राइट। अभी बोल रहे हैं कि क्या हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कितने परसेंट पे,
कॉन्फिडेंस लेवल कितना बोला, दैट इज 99%, बिकॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.01। एट द पॉपुलेशन मीन, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन की मीन कि ये कितना होगा, 25% 24 से बिलो होगा, ये 24% बिलो होगा। दैट रिपीट, देखिए ये क्या है, पॉपुलेशन है, इसमें से एक सैंपल लिया 27 ऑब्जर्वेशन, उसका मीन स्कोर कितना है, दैट इज 22, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 48। अब इसके बेसिस पे हम जो है पॉपुलेशन का हम जो है मीन स्कोर निकालना चाह रहे हैं, तो हाइपोथेसिस क्या बना कि क्या इसका हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं कि ये 24 से बिलो होगा। अच्छा अच्छा, आपको ना एक इसका वर्ड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस वर्ड, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या मतलब होता है, यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए सपोज कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए दो एफडी में इन्वेस्ट किया, दो अलग अलग बैंक में, ठीक है, एक ए बैंक है और एक बी बैंक है, आपने एक आपने मान लीजिए 3-3 साल के लिए आपने एफडी करी, एक में मान लीजिए आपको मिला 5.5% कंपाउंडेड बेसिस पे, एक में आपको मिला 5.6 कंपाउंडेड बेसिस पे। अब बस अब आपसे पूछेंगे क्या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट, यस क्लियरली शो कर रहे हैं, एक बैंक दे रहा आपको 5.5%, दूसरे बैंक ने दिया आपको 5.6% इन दिस केस, ठीक है। बट क्या हम ये जो डिफरेंस है क्या इसको हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट इन देंस दैट मींस क्या डिफरेंस का मार्जिन का इतना बहुत ज्यादा है कि हम बोले हैं कि डिफरेंस जो है काफी अच्छा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या नाम है, अब वही ये तो एफडी है, बट अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए एफडी में आपको मिल रहा है सपोज ऑन एन एवरेज 5.5%, बट अगर हम बोलूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वहां आपको 3 साल में आपको मिलेगा सपोज 6.5%, ठीक है। तो देखिए आपको ये डिफरेंस देखिए पड़ेगा, तो बोल सकते हैं यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीस रिटर्न्स। तो ये कौन से लेवल पे बोलना है, कौन से लेवल पे नहीं बोलना, वो दिखना होता है, ठीक है। सो दैट मींस हम ही बोल सकते हैं, मैं बोलूं कि मैं 99% श्योर हूं दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स इन द एफडी एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिफरेंस नहीं है, ये मैं 95% बोल रहा हूं। बाकी 5% कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस होगा तो वो थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ज्यादा डिफरेंस निकला तो बोल सकते हैं यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज रिटर्न्स, ठीक है। इसको एक बार एक और तरीके से समझते हैं, जैसा मान लीजिए एक क्लास है सपोज ए है, ये बी है, ठीक है, मान लीजिए इनका स्कोर आउट ऑफ 100 एवरेज स्कोर आ रहा है सपोज 99, इसका आ रहा है सपोज 98, तो ये हार्डली 1 मार्क्स का डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। क्या मैं बोलूँ कि इसका एवरेज अगर मान लीजिए ये आया सपोज 98.75, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बट अगर मान लीजिए सी एक और है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है सपोज 96, ठीक है। अब अगर कंपेयर करूँ इसको ए और सी को, तो बोल सकते हैं यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज मेन मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट मतलब हो रहा है कि क्या आप अपने कॉन्फिडेंस में आप अगर बोले 99% तो 90% श्योर हो, 1% इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन का स्कोर 25/4 से बिलो है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा एक पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस देखिए क्या होगा एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा वो देखना होगा। नल हाइपोथेसिस होना कि एवरेज स्कोर या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहे हैं, एज द पॉपुलेशन मीन जो है वो सिग्निफिकेंट बिलो होगा, बिलो 24, तो अल्टरनेटिव क्या बनेगा, मोर देन इक्वल टू 24। तो अगर मान लीजिए अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है, रिजेक्ट करना है, तो आपका क्या मीन मास करना चाहिए, लेस देन 24। तो 24 क्या होगा, दैट मींस वो यहां लेफ्ट ओवर शो करेगा आपका ये वाला एरिया, ये होगा रिजेक्शन एरिया। इस केस में वन टेल टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम,
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 27 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1, तो वो कितना आएगा आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 26। सर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या ये तो बता दो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब कहता है कि आपको ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करने की आपके पास फ्रीडम, यानी कि कितनी चॉइस होती है आपको। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊँ, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए एक वीक में देखिए 7 डेज होते हैं, अब मान लीजिए आपके पास अलग अलग टाइप के जो है शूज हैं, आप एक दिन में जो एक ही टाइप के शूज पहनते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पहले जो है यहाँ पर एक शूज सेलेक्ट कर, एक शूज सेलेक्ट करने करने की आपके पास चॉइस कितनी होगी, चॉइस कितनी होगी, आप कोई भी शूज, कोई भी एक शूज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको छोड़कर, इसको छोड़कर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप इसको छोड़कर इसको सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो लास्ट वन होगा, लास्ट वन होगा, उसको चॉइस करने की आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, यानी कि फ्रीडम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम कितनी हुई 7 माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाले की आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बना आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो ऐसे यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी इस केस में 27, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना दैट इज आपका 26। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अपने एक टेबल में देखना होगा, मैं टेबल यहाँ पर आपको शो कर दूंगा, तो आप उस टेबल में देखना, टेबल में देखोगे कि आप इसकी जो पी होगी, जो पी वैल्यू होगी किस पे देखना है आपको, 0.1 में देखना है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी दैट इज 2.479, 2.479, राइट। अब बट आपको देखिए आपका ऑर्डर नहीं आया, इसका लेस देन 24 है, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपकी वो नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको टेस्ट करना है ये -2.479। अब इसका मतलब क्या होता है, दैट मींस इफ यू वांट टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, सो दैट मींस जो टी वैल्यू होती है, टी वैल्यू दैट मींस एक तरह से आपकी मतलब एक तरह से पी वैल्यू होती है, सो टी वैल्यू क्या होगी आपकी लेस देन आपकी कितनी होनी चाहिए -2.479, इससे कम होनी चाहिए अगर आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हो। मैंने कम क्यों बोला, ध्यान से देखिए, वैसे मैंने बताया था कि ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट होता है आपका नेगेटिव और ये होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू आप -2.479 है, अगर इससे कम हुआ दैट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, ये तभी आपका वो रिजेक्शन हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इससे कम आया तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए टी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब टी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय दिस। अब ये क्या है, तो यहाँ पर मीन के यहाँ पर दैट मीन ये क्या डिफाइन करता है आपका पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन यहाँ पर क्या दैट इज 22, ठीक है। और क्लेम जो कर रहे हो आप, कितना क्लेम कर रहे हो 24, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आपको दैट इज 4.8 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके 27। जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी -2.165। अब देखिए ये वैल्यू जो है इससे कम है, इससे वैल्यू कम है, ठीक है। आपको जहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे कि सेम टी इज इक्वल टू -2.165 विच इज not less than -2.479। तो इससे कम मतलब इससे वैल्यू कम आई है, दैट मीन्स आपका जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, आपका ये वाला एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, कहीं भी लाइक आ सकता है, वो है तो ज़्यादा ना, तो दैट इस और ये कौन सा होता है दैट मीन्स फेल टू रिजेक्ट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, दैट मीन्स फेल to reject null hypothesis, right? So that means we can say, हम कह सकते हैं there is no enough evidence that the population mean is less than 24, right? So students, these are the all about the hypothesis.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.